हर किस्म के कपड़ों के लिए आज ही तशरीफ लाइए जेके गारमेंट्स, नज़्द उस्मानिया तरकारी मार्केट, कपड़ा बाजार रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, आज यूथ कांग्रेस के लिए इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। नाज़रीन, एक वोटर को चार वोट डालने का हक था, जिसमें एक वोट रियासती सदर यानी स्टेट यूथ परिषद के लिए, दूसरा वोट रियासती जनरल सेक्रेटरी यानी स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए, तीसरा वोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट के लिए और चौथा वोट शहरी सदर यानी सिटी यूथ प्रेसिडेंट के लिए। चार वोट एक वोटर इस्तेमाल कर सकता था। लिहाजा आज सुबह से शाम तक कांग्रेस के नौजवानों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन ने अपने नौजवानों को तरगीब दी कि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करे। कांग्रेस के जिला माइनॉरिटी सेल सदर और वार्ड नंबर 15 के रुकने बलिया जय साजिद समीर ने भी इस मौके पर नौजवानों को तरगीब दी कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें वोटिंग में और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करें। इस सिलसिले में इन्होंने असलामा फंक्शन हॉल जहीराबाद में एक खसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया था। इसी तरह मुख्तलिफ फंक्शन हॉलों में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नौजवानों ने ग्रुप बनाकर वोटिंग में हिस्सा लिया और नौजवानों ने वोट किया। आश्रय कॉलोनी LBS नगर में भी नौजवान कायद मोहम्मद शेख फारूक ने भी और उनकी टीम ने भी वहां पर ग्रुप बनाकर नौजवानों को वोटिंग की तरगीब दी। जराए ने बताया कि रियासती सदर के लिए दो उम्मीदवार मजबूत दावेदार समझे जा रहे हैं, जिनमें एक इब्ने हारिस रुकने असम्बली के फर्जंद मोहम्मद नलपाड़ हैं और दूसरे रक्षा रामैया हैं। जबकि जनरल सेक्रेटरी ओहदे के लिए तकरीबन 90 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी दाखिल की है, जिनमें 30 उम्मीदवार मुंतखब होंगे। इसी तरह रायचूर जिला यूथ प्रेसिडेंट के लिए दो उम्मीदवारों की कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जिनमें एक मौजूदा यूथ सदर अरुण धोतरबंडी हैं और दूसरे सिंधनूर के शफीउद्दीन हैं। इन दोनों में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। इसी तरह सिटी यूथ प्रेसिडेंट के लिए मीर अकमल और वीना के दरमियान टक्कर बताई जा रही है, लेकिन बाद नौजवानों का कहना है कि मीर अकमल की जीत बिल्कुल यकीनी है।